आज आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और आज आपका ध्यान जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो जो आज आपको ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है कि किसी को आज गुस्सा ना दिखावें और किसी की बातों में ना आवें, और अपना जो आपने बना लिया है कि मुझे ये करना है उसमें करें। जुनून अच्छा है लेकिन जिद अच्छा नहीं था, जिद ना करें, जिद करना आपके लिए ख़राब हो सकता है। और आपके लिए समय अच्छा चल रहा है, आज अपने कर्म क्षेत्र में जो आप कर्म करना चाहते हैं, जो व्यापार करना है उसमें विस्तार कर सकते हैं, विस्तार करने का समय जो आपके लिए अनुकूल है। और परिवार में थोड़ा सहयोगात्मक भूमिका का ध्यान रखें, जितना सहयोग करेंगे परिवार आगे बढ़ेगा और वो आपके लिए अच्छा रहेगा। और आज आपके भाग्य से सारे कार्य जितनी आपने सोच रखा है सब पूरा होने का समय आ गया है, और आज आपकी दूर देश की यात्रा हो सकती है जिससे आज आपको लाभ भी मिलेगा और आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा में ज़बरदस्त वृद्धि होगा। आपका मानसिक लेवल बढ़ेगा, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, राजनीतिक कद बढ़ेगा और समाज में आज आपका बहुत ही महत्व बढ़ेगा जिससे आपका मन काफ़ी खुश रहेगा। और आपको सावधानी क्या बरतनी है, अपने खान पान पर नियंत्रण रखने की ज़रूरत है। खान पान पर नियंत्रण रखेंगे ठीक रहेगा, और इमोशन में आके कोई निर्णय ना लें। इमोशनल तो होना अच्छी बात है लेकिन इमोशनल होकर जब आप निर्णय लेंगे तो आपके लिए हानिकारक हो सकता है, तो इस आज बचने की ज़रूरत है। आज आपको उपाय क्या करें जिससे आपकी स्थिति ठीक हो, तो आज भगवान श्री गणेश की आराधना करें, वो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। और आपके लिए शुभ अंक 9 है, शुभ रंग केसरिया है और आपका लक मीटर 9 है। हरे कृष्ण।